नमस्कार, मैं प्रोफेसर सुभाष चंद्र रॉय नेरी एनसीईआरटी शिलांग से, और हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश शर्मा तेजपुर विश्वविद्यालय से। नमस्ते। आज हम चर्चा करेंगे समस्या समाधान विधि के ऊपर। समस्या समाधान विधि एक शिक्षण विधि के रूप में कैसे हमारे लिए उपयोगी हो सकती है, यह एक कैसे प्रभावी शिक्षण विधि है, इन तमाम बातों की जानकारी आज हम लेंगे डॉक्टर हितेश शर्मा से। डॉक्टर हितेश शर्मा जी, सर, शिक्षण की अनुदेशात्मक विधियां कौन कौन सी हैं? नमस्ते सर। हमने पिछले कई चर्चाओं में जो शिक्षण की अध्यापन की जो मुख्य मुख्य विधियां हैं, उन्हें हमने दो भागों में बांटा था। एक है शिक्षक केंद्रित विधियां, दूसरी है विद्यार्थी केंद्रित विधियां। शिक्षक केंद्रित विधियां वे थी जिसमें कि शिक्षक केंद्र में है या शिक्षक कक्षा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है, एवं विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी सक्रिय हैं, सारे विद्यार्थी सक्रिय हो भी सकते हैं, लेकिन सामान्यतः देखा जाता है कि सारे विद्यार्थी सक्रिय नहीं होते हैं। तो उसमें शिक्षक जो अपना अध्यापन करते हैं, उन्हें हमने कहा था अनुदेशनात्मक विधियाँ या इंस्ट्रक्शनल मेथड्स। कुछ अनुदेशनात्मक विधियाँ हैं व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन एवं निगमन विधि, बातचीत विधि एवं प्रश्नोत्तरी विधि। इसके साथ व्याख्यान विधि के साथ में हम कह सकते हैं कि व्याख्यान सह प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान सह चर्चा विधि, व्याख्यान सह परिचर्चा विधि। इस तरह से हम विभिन्न अनुदेशनात्मक विधियों के बारे में पढ़ चुके हैं। एवं दूसरा हमारा जो मुख्य समूह है अनुदेशनात्मक विधियां, जैसे आपने बताया, दूसरी है विद्यार्थी केंद्रित विधियां या विद्यार्थी अनुकूल विधियां, जिसमें छात्र केंद्र में रहे, छात्र केंद्रित विधियां हैं वे, जिसमें छात्र पूरे समय सक्रिय होता है, सभी छात्रों की भागीदारी होती है और सभी छात्र अधिगम में समान रूप से भाग लेते हैं। जैसे विद्यार्थी अनुकूल विधियों के जो हमारे विभिन्न उदाहरण हैं, खेल विधि, परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि, अन्वेषण विधि, भूमिका निर्वाह विधि एवं भ्रमण विधि। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी विभिन्न विभिन्न विधियाँ हैं, जिसमें छात्र पूरी रुचि के साथ, सक्रियता के साथ भाग ले रहा है, खेल में, परियोजना में, समस्या समाधान में, किसी अन्वेषण करने में, भूमिका निर्वाह में या किसी फील्ड में, ट्रिप में, तो इस तरह से हम कहेंगे ये विधियाँ विद्यार्थी अनुकूल विधियाँ हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही। इसी में आपने बताया कि समस्या समाधान विधि एक विद्यार्थी अनुकूल विधि है। आप से हम जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि समस्या क्या है, समस्या को हम समझेंगे कैसे कि यह समस्या है। जी हाँ सर, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। यहाँ पर समस्या समाधान विधि में सबसे पहला ही प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आता है कि समस्या क्या है। तो समस्या से तो हर कोई परिचित है, हर व्यक्ति के जीवन में हर दिन कुछ न कुछ समस्याएं आती है। कभी कुछ समस्याएं बड़ी है, कुछ समस्याएं छोटी है, कुछ दीर्घकालीन समस्याएं, कुछ तात्कालिक समस्याएं, कुछ का हल तुरंत मिल जाता है, कुछ का हल काफ़ी समय बाद मिलता है, कुछ समस्याएं हमारे स्तर की है, कुछ समाज के स्तर की है, कुछ देश के स्तर की है। तो समस्याएं तो हर जगह पर है, कुछ देश की समस्याएं, कुछ समाज की समस्याएं, कुछ व्यक्ति की समस्याएं हैं, लेकिन हमारे अध्यापन के अंतर्गत भी बहुत सारी समस्याएं हैं, अधिगम से संबंधित समस्याएं हैं, अध्यापन से संबंधित समस्याएं हैं। तो हम समस्या क्या है यह जानने के लिए पहले तो हमें देखना होगा कि हमारे दिन प्रतिदिन की जो क्रियाकलाप हैं, उसमें हम किन समस्याओं से हमें दो चार होना पड़ता है। जैसे कि यदि हम कहीं जा रहे हैं, हमारे रास्ते में कहीं गाड़ी ख़राब हो गई है, तो वो हमारे लिए एक समस्या बन जाती है। या घर पर कहीं बाहर से आते हैं और वहाँ पर ताला लगा हुआ है, हमारे पास घर की चाबी नहीं है, तो वो हमारे लिए एक समस्या हो जाती है। हमारा घर में खाना पकाने की गैस ख़त्म हो गई है, तो हमारे लिए एक छोटी समस्या है। हमारे घर में यदि पानी नहीं आ रहा है, तो हमारे लिए एक समस्या है। तो हर दिन हमारे जो डेली लाइफ में कुछ न कुछ समस्याएँ आती है। जैसे शिक्षण के संदर्भ में देखें तो विद्यार्थी को कक्षा में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वो एक समस्या है। अध्यापक, बड़ी समस्या है, ये तो बड़ी समस्या है। कई बार होता है अध्यापक सिर्फ पढ़ा रहे हैं, उन्हें उसकी कोई फिक्र या चिंता नहीं है कि विद्यार्थी कुछ समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, तो वहाँ एक समस्या हो जाती है। कई बार विद्यार्थी सिर्फ श्यामपट पर लिखते ही रहते हैं, विद्यार्थी की ओर देखते भी नहीं है, तो वह अपने आप में एक समस्या हो जाती है। तो इस तरह से कई कई तरह की समस्याओं से हमारे अधिगम और शिक्षण में हम उनके सामने, हमारे सामने आती है। समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं और तरह तरह की समस्याएं हैं, लेकिन उनका समाधान भी चाहिए। जी हाँ।
तो समस्या समाधान क्या है? समस्या समाधान, अब इस विधि को समझने से पहले हमें समझना होगा कि समस्या समाधान क्या है। जब हमारे, जैसे कि देखिए, यदि हमारे पास कोई समस्या आती है तो हम उसका समाधान कैसे करते हैं? हम सबसे पहले देखते हैं कि उसका समाधान किन किन तरीकों से हो सकता है, जिसे हमारी भाषा में कहेंगे कि संभावित विकल्प क्या क्या हैं। संभावित विकल्पों की हम सूची बनाएंगे। जैसे हमारे पास समस्या आ गई कि जैसे हमारे शिक्षक साथी घर से निकले विद्यालय जाने के लिए, विद्यालय उनका 10 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर जाने के बाद उनका स्कूटर खराब हो गया, तो अब उनके पास समस्या यह है कि विद्यालय कैसे पहुँचे। जी जी, अब उनको लक्ष्य पता है उन्हें कि जाना है विद्यालय, पर उसे करें कैसे, जाना कहाँ है ये पता है जी, करना क्या है ये पता है, लेकिन कैसे करना है यहाँ समस्या है। तो समस्या के लिए वो अपने विकल्प सोचेंगे कि मेरे पास क्या क्या विकल्प हैं। विकल्प एक, उन्हें पैदल चल के विद्यालय जाना है, लेकिन विद्यालय इतनी दूर है तो उनका जो कक्षा है वो तो ख़त्म हो जाएगी जो उन्हें कक्षा लेनी है जाकर विद्यालय में। दूसरा विकल्प, गाड़ी को वहीं पर छोड़ें और बस से चले जाएं। जी। तीसरा विकल्प, घर से किसी को, बेटे को फ़ोन करके बुला लें, वो लेके छोड़ के जाएगा, या फिर किसी से लिफ्ट लें विद्यालय जाने के लिए। तो कई कई तरह के विकल्प हैं उन्हें पास, तो उन्हें सारे विकल्पों पर गौर करना होगा कि कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है। तो जब समस्या समाधान हमारे सामने यह शब्द आता है तो हम सारे संभावित विकल्पों की सूची बनाते हैं, फिर प्रत्येक संभावित विकल्प का विश्लेषण करते हैं। प्रत्येक, जैसे अलग अलग विकल्प है तो उनका हम विश्लेषण करेंगे कि यदि इस विकल्प को हमने लिया तो इस विकल्प को लेने के परिणाम क्या होंगे, क्या होंगे। दूसरे विकल्प को लिया तो उससे लाभ क्या होगा, हानि क्या होगी। तीसरे विकल्प को लिया, तोलते हैं हम उसे तोलते हैं कि इसके दीर्घकालीन परिणाम क्या होंगे, तात्कालिक परिणाम क्या होंगे, और यदि इस विकल्प को लेकर हमने कार्य किया तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, जितने भी विकल्प हैं उन सभी का विश्लेषण कर रहे हैं, और उन विश्लेषण करने के बाद हम उपयुक्त विकल्प का चुनाव करते हैं कि सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा है। यह जो आपने बताया, बहुत ही विस्तार से बताया कि समस्या समाधान है क्या, लेकिन पढ़ाई लिखाई की दुनिया में, विद्यालय की दुनिया में यह समस्या समाधान एक अध्यापन के विधि के रूप में कैसे इस्तेमाल हो सकता है, एक शिक्षण विधि के रूप में कैसे इस्तेमाल हो सकता है? जी हाँ सर, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि समस्या से हम परिचित हैं, समस्या समाधान के कुछ तरीकों से हम परिचित हैं, लेकिन अध्यापन में इसका प्रयोग कैसे करें, यह शिक्षक के लिए अपने आप में एक समस्या है जी। क्योंकि उसे अध्यापन में कैसे प्रयोग में लाएं, शिक्षक करता क्या है अध्यापन के दौरान, शिक्षक अध्यापन में अधिगम करवाता है विद्यार्थियों को, किस तरह, किन चीज़ों का अधिगम करवाते हैं? तो हम मुख्यतः देखते हैं कि वहाँ पे या तो कोई अवधारणा या संकल्पना रहती है जिसका शिक्षक पढ़ाते हैं, या फिर कोई नियम पढ़ाते हैं, या फिर कोई सिद्धांत पढ़ाते हैं, या फिर भिन्न भिन्न संकल्पनाओं को शिक्षक अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों को समझाते हैं। तो हम यदि इन्हीं सब चीज़ों को समस्या समाधान, एक समस्या प्रस्तुत करके विद्यार्थियों को सिखाएं, तो विद्यार्थी स्वतः सीखते हैं, उनमें अन्वेषण की भावना का विकास होता है, और उनमें समस्या समाधान के द्वारा अपने आप स्वतः अंतः प्रेरित विषय के प्रति उनमें रुचि जागृत होती है। जी। इसको हम कुछ उदाहरणों से समझेंगे कि माना कि अध्यापक कक्षा में पढ़ाना चाहते हैं, कि एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक चाहता है कक्षा में कि जो हमारा पौधा है, जो प्लांट रहते हैं, उसके विभिन्न विभिन्न भाग कौन से हैं। जी, जैसे कि पौधे के भाग होते हैं जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, लेकिन इसे समस्या समाधान विधि से पढ़ाना है तो शिक्षक कैसे पढ़ाएं? शिक्षक एक काम कर सकते हैं कि वो कई सारी पत्तियों को एकत्रित करें, कई सारे फूल को एकत्रित करें, अलग अलग फूलों को एकत्रित करें, गुड़हल का फूल लेके आएँ, गेंदे का फूल लेके आएँ, गुलाब का फूल लेके आएँ, और कई सारे फल को एकत्रित करें, चीकू है, जाम है, केला है, फल को लेके आएँ, फूल को लेके आएँ, पत्तियों को लेके आएँ, कुछ जड़ों को लेके आएँ कक्षा में अलग अलग, और विद्यार्थियों को अलग अलग समूह में विभाजित करें। कक्षा में सबसे पहले वो विद्यार्थियों के समूह बना दें ताकि प्रतिस्पर्धा की भावना होगी तो ज़्यादा विद्यार्थी तेज़ी से सीखेगा। तो उन्हें अलग अलग समूह में विभाजित करने के बाद उनके सामने समस्या को प्रस्तुत करें। समस्या यह है कि मुझे समस्या में आपको यह पहचानना है कि यह पौधे का कौन सा भाग है, फूल कौन सा भाग है, फल कौन सा भाग है, पता नहीं है, सबको उन्होंने मिक्स कर दिया।
अब उन्होंने अलग अलग समूह में कुछ कुछ जो वो नमूने लेके आए थे वह वितरित कर दिए। मिश्रण का होना अपने आप में एक समस्या है या मैं समझा नहीं? नहीं नहीं, दर्शकों की सुविधा के लिए शायद आप इस पर ज़्यादा प्रकाश डाल पाएँ। मिश्रण आपने सभी फलों को मिला दिया जी, तो फिर समस्या के रूप में इसे कैसे देखेंगे? समस्या के रूप में सर इसे देखेंगे कि विद्यार्थियों को उसमें से पहचानना है अच्छी वो पौधे का कौन सा भाग है। मान लीजिए अदरक है, अच्छा अदरक हमने विद्यार्थियों को, हाँ अदरक विद्यार्थियों को दिया कि ये पौधे का कौन सा भाग है, उन्हें यह बताना है कि पौधे का भाग कौन सा है। वो पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ चीज़ें विद्यार्थियों को पता है। समस्या समाधान विधि का प्रयोग हम तभी कर पाएंगे जब विद्यार्थियों को कुछ पूर्व ज्ञान है, जब वो पहचान सकते हैं जो दिन प्रतिदिन की जो उनके घटनाएं हैं उनके आधार पर वो उस उन चीज़ों को पहचान सकते हैं। जैसे कि जड़ का विद्यार्थी की संकल्पना यह है कि जो जमीन के नीचे रहती है वो जड़ है और जमीन के ऊपर है वो तना है, अधिकतर ये समझते हैं जी। हाँ, तो इसमें विद्यार्थी पहले से जानता है ये चीज़, वो अपने घर में से उसे पता है कि जो जड़ के जमीन के ऊपर लगने वाला भाग तना है, जमीन के नीचे लगने वाली भाग जड़ है। लेकिन जो हमने अदरक दिया वो तो जमीन के भीतर रखता है लेकिन वह जड़ नहीं है। तो वह उनकी समानता और असमानताओं पर चर्चा करेंगे। समूह में हमने कार्य दिया कि समानता और असमानता पर चर्चा करें। क्या जमीन के नीचे रखने वाला हर भाग जड़ ही होगा? लेकिन अदरक तो उसका तना है लेकिन वो जमीन के नीचे लगता है। तो यह समानता असमानता के आधार पर चर्चा करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे। और फिर यदि उन्होंने उसे समझ लिया कि यह जड़ नहीं तना है तो हम तने के और भी उदाहरण मांगेंगे। जैसे जमीन के नीचे तो आलू भी लगता है और भी दूसरे सब्जियां लगती है, तो जमीन के ऊपर भी। अब वैसे फल अलग अलग हैं। अब हमने कहा कि एक हमको फल की संकल्पना विद्यार्थियों को समस्या के रूप में पढ़ाना है। हमने कहा फल में उन्हें केला बताया, आम जाम चीकू, विद्यार्थी फिर खुद अपने तरफ से उदाहरण देना शुरू कर देंगे। इस तरह से खेल खेल में अन्वेषण के साथ सही समस्या को समाधान करते हुए उपयुक्त विकल्प का जब विद्यार्थी चुनाव करेगा तो यह समस्या समाधान विधि से अध्यापन कहलाएगा। इस विधि के कितने चरण हैं? चरण कौन कौन से? जैसे कि हमने एक उदाहरण हमने लिया था कि कक्षा में समस्या समाधान विधि से हमने जैसे पौधों के विभिन्न भाग बताए, तो इसी तरह से मैं चरण पे आने के पहले मैं कुछ और उदाहरणों से इसे स्पष्ट करना चाहूँगा ताकि हम विभिन्न चरणों को समझ सकें। जैसे कि हमारे पास एक समस्या है पर्यावरण की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, बहुत बड़ी समस्या। तो हमने उसे समस्या मान के कक्षा में विद्यार्थियों के सामने ये समस्या रखी कि उसके क्या क्या समाधान, क्या क्या विकल्प हैं उसे ठीक करने के, किस तरह से हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। जैसे कि स्वच्छता है, स्वच्छता को बढ़ा के हम पर्यावरण प्रदूषण को कम करें, कर सकते। तो इस तरह से अलग अलग विकल्पों पर विचार करें कि कौन सा विकल्प संभावित है, कौन सा विकल्प हमारे द्वारा संभावित है, कौन सा विकल्प अन्य संस्थाओं द्वारा संभावित है। तो इस तरह विभिन्न विकल्पों पर विचार करना। एक उदाहरण देखिए मैं और स्पष्ट करना चाहूँगा समस्या समाधान विधि को यहाँ पर। जैसे कि पदार्थ की अवस्था पढ़ाना है, पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव एवं गैस। तो शिक्षक को कक्षा में समस्या समाधान विधि से पढ़ाना है कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएँ कौन कौन सी है। तो उसके लिए शिक्षक को कुछ सामग्री अपने साथ लेके जानी होगी कक्षा में, जैसे अगरबत्ती है, मोमबत्ती है, बर्फ़ का टुकड़ा है, लाख है। इन सब सामान को ले जाकर उनके सामने समस्या बतानी है कि आपको पदार्थ की विभिन्न विभिन्न अवस्थाएं पहचानी है जी, और जी। एक पदार्थ की अवस्था दूसरे पदार्थ की अवस्था में कैसे परिवर्तित होता है, यह समस्या है। जैसे अगरबत्ती जलाई तो तुरंत गैस में परिवर्तित हो गई, बिल्कुल। लाख को और मोमबत्ती को गर्म किया तो वो तो पिघल गया, लेकिन पानी की अगर बूंदे अगर हमने आग के ऊपर डाली तो तुरंत भाप बन गई। तो समस्या यह है कि यह पता करना कि कौन सी वस्तु एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती है और वो कैसे परिवर्तित होती है। जैसे गर्म करने पे परिवर्तित हो रही है, तो इस तरह की समस्या देकर उन्हें पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं को पढ़ाना जी। और अलग अलग समूह बना के हम यह दे सकते हैं। एक हमने विद्यालय के हमारे स्कूल के समय में पढ़ा था कि कोई भी वस्तु पानी के ऊपर क्यों तैरती है, एक उसको किसी सिद्धांत पर काम करता है। यह फिजिक्स का हम सभी को पता है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि जहाँ जितना बड़ा पानी के ऊपर तैरता है लेकिन एक कील छोटी सी पानी में डूब जाती है। तो विद्यार्थियों को यह समझाना कि कौन सी वस्तु पानी के ऊपर तैरेगी और कौन सी वस्तु डूब जाएगी और क्यों डूबेगी, तो क्या सिद्धांत इसमें काम करता है। यह अगर हमें हम विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहते हैं और समस्या समाधान विधि के द्वारा पढ़ाना चाहते हैं तो उनके सामने एक समस्या हमें रखनी पड़ेगी कि हमें बीकर में ले जाके दो तीन अलग अलग वस्तुएँ दिखानी पड़ेगी। यानी कि एक लकड़ी का टुकड़ा, वो पानी में नहीं डूब रहा है,
लेकिन एक लोहे का टुकड़ा वो पानी में डूब जाता है, कील लोहे की पानी में डूब जाती है और कागज पानी में तैरता है, तो कुछ वस्तुएं तैरती है कुछ डूब जाती है। तो ऐसे हम कई तरह की वस्तुएं लेके जाएं, अलग अलग बीकर में करके दिखाएं और विद्यार्थियों के सामने ये समस्या प्रस्तुत करें कि इसमें से कुछ डूब रही है कुछ नहीं डूब रही है, तो क्या सिद्धांत और कैसे काम कर रहा है जी। तो फिर इस तरह से हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कि उसका जो पानी का जो विस्थापन है जी, वो कितना पानी का विस्थापन अपने भार से ज़्यादा अगर विस्थापन करता है तो ही वो पानी वस्तु जब उस पानी में तैर सकती है, जैसे कि तैरने का सिद्धांत काम करता है, जब हम तैरते हैं तो पानी का विस्थापित करते हैं। गणित में एक बहुत ही रोचक तथ्य है पाइथागोरस प्रमेय जी। हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाते हैं कि यदि दो त्रिभुज की भुजाएं पता हैं तो तीसरी भुजा हम कितनी लंबाई है वो हम निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, एक सूत्र है पाइथागोरस का, आप हम सब जानते हैं जी। तो हम पाइथागोरस का ये सूत्र को सीधा बताने के बजाय हम उसको एक समस्या के रूप में विद्यार्थियों को बता सकते हैं। जैसे कि हमने एक बनाया कि एक नदी है, नदी के इस पार से उस पार कितनी दूरी है ये पता नहीं है, लेकिन वहाँ से एक मंदिर है थोड़ी दूर, वहाँ से यहाँ तक की दूरी तो विद्यार्थी हम निकाल सकते हैं, लेकिन नदी पार करना मुश्किल है क्योंकि नदी गहरी बहुत है। हमारे पास दो, वहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है तो दो तरफ की लंबाई और तो हमारे पास है, लेकिन तीसरी भुजा की लंबाई हमें पता करना है, तो क्या कोई गणित का ऐसा सूत्र है जिससे हम पता कर सकते हैं? तो वहाँ पाइथागोरस का सूत्र है कि हम बिना नदी पार करे भी इसकी लंबाई पता कर सकते हैं। जैसे कि हमने स्कूल के दिनों में ये समस्या पढ़ी थी कि एक बहुत बड़ी इमारत है, उस इमारत पे बिना चढ़े उसकी लंबाई ज्ञात करना है सिर्फ उसकी परछाई को देखते हुए, और उस पे कितने अंश का कोण बन रहा है ये हमें पता है, तो हम उसकी इमारत की लंबाई, यदि हम समस्या दे के विद्यार्थियों को ये काम दे दें कि उन्हें करके लाना है अपने विद्यालय की इस इमारत की कितनी ऊंचाई है यह पता करना है, तो इस तरह से विभिन्न विभिन्न समस्याओं के द्वारा हम किसी नियम और सिद्धांत को पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आपका जो आपने मुझसे अभी एक बहुत अच्छा प्रश्न रखा था इसके पहले कि उसके चरण कौन कौन से, किन किन स्टेप से हम ये कार्य करेंगे, तो इसमें हमारे देखा कि हमने सबसे पहला जो चरण है वो है समस्या की पहचान करना। विद्यार्थियों को हमने विभिन्न तरह की समस्याएं दी तो विद्यार्थी सबसे पहले उसकी पहचान करें कि समस्या है क्या। कभी कभी समाज में कोई समस्या देने वाला नहीं, समस्याएं अपने आसपास बिखरी होती हैं, उसकी भी पहचान करना एक चुनौती है। जी हाँ, कि समस्या की पहचान इसका सबसे पहला है कि विद्यार्थी समझे कि समस्या है क्या वहाँ पर। जब वो समझ जाएगा तो उस समस्या का परिभाषीकरण करना, उस समस्या को परिभाषित करें, यह उसका दूसरा चरण है। समझने का कुछ सूचक है कि यह समस्या है और यह समस्या नहीं है, दर्शकों की सुविधा के लिए शायद बता दें। नहीं, समस्या तो तभी कहेंगे जब वो कुछ बाधा उत्पन्न करे, कुछ लक्ष्य को प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर रही है तभी यह समस्या है, लेकिन उसको पूरी तरह से परिभाषित कैसे करें जी, कि परिभाषित यानी कि उसे पिन पॉइंटेड समझ में आ जाए कि यहाँ पर समस्या है। तो जो द्वितीय चरण है वो समस्या का परिभाषीकरण है, और जो उसका तृतीय चरण है हमारे पास कि फिर उसके बाद हम वैकल्पिक समाधानों को खोजें, वैकल्पिक समाधान ढूंढें विद्यार्थी कि वैकल्पिक कौन कौन से उसके समाधान हो सकते हैं, अलग अलग समाधानों, और जब वैकल्पिक समाधानों को खोज लिया है तो फिर विचार का मंथन करें जी। अपने समूह में चर्चा करें, विचार का मंथन करें और फिर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को तलाश करें, उसको ढूंढें जी, विभिन्न विभिन्न विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा है, हमारे पास जितने भी उपलब्ध विकल्प हैं, और उसके बाद फिर एक रणनीति बनाएं, एक विकल्प को चुन लें और उसके बाद फिर रणनीति का निर्माण करें, और रणनीति के बाद उस रणनीति का क्रियान्वयन करें, और रणनीति क्रियान्वयन करने के बाद उसका मूल्यांकन करें जी, जी। यह विभिन्न विभिन्न चरण है समस्या समाधान के। गिक मॉडल क्या है इसमें? जो हमने विभिन्न विभिन्न अभी समस्या के चरण पे चर्चा की, इसी तरह से एक गिक ने एक मॉडल दिया है अपना समस्या समाधान का जी, जो कि 1986 में दिया गया है ये मॉडल गिक के द्वारा। तो गिक का कहना है कि प्रथम हमने समस्या का प्रस्तुतीकरण किया, समस्या प्रस्तुतीकरण करने के बाद समस्या को समाधान खोजा, समस्या समाधान खोजने के बाद उस समाधान का क्रियान्वयीकरण करा। अब क्रियान्वयीकरण के बाद दो स्थिति हो सकती है, या तो सफल या असफल। यदि सफल हो गए तो समस्या का समाधान हो गया, और असफल हो गए तो इस चक्र को पुनः वापस समस्या का प्रस्तुतिकरण को आगे बढ़ाएंगे, उसी को आगे बढ़ाएंगे, समस्या का पुनः प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर उसके समाधान को खोजेंगे, फिर समाधान का क्रियान्वयीकरण करेंगे, और फिर समस्या का समाधान होने पे हम सफल होंगे, बार बार ये करना। तो ये गिक द्वारा दिया गया था। एक और मॉडल है ब्रांसफरेंस लेन की, वो इससे मिलता जुलता है या अलग है? जी, जो
ब्रेनफोर्ड एम स्टेन ने 1984 में एक मॉडल दिया था, इस मॉडल का नाम है आइडियल मॉडल ऑफ ब्रेनफोर्ड एम स्टेन 1984। तो इसमें मिलती जुलती चरण दिए गए हैं कि सबसे पहले समस्या को पहचानना, समस्या क्या है सबसे पहले उसकी पहचान करें, फिर सोच विचार कर समस्या को परिभाषित करना और प्रासंगिक सूचना को छांटना। अच्छा, कि उस समस्या में प्रासंगिक सूचनाएं कौन कौन सी है और विभिन्न जो हमारे वैकल्पिक समाधान हैं उन विभिन्न वैकल्पिक समाधानों को खोजना, विचार मंथन कर उपयुक्त विकल्प को खोजना और विभिन्न जो विचार हैं उनकी जांच करना। बहुत अच्छा। इसके बाद इस मॉडल के अंदर जो अगली स्टेप है या अगला चरण है कि रणनीति बनाना। रणनीति बनाना, उस रणनीति पर कार्य करना और रणनीति पर कार्य कर जब उसको इम्प्लीमेंट करना या उसका क्रियान्वयीकरण करने के बाद पश्चावलोकन करना जी, कि बाद में हमने क्या रणनीति बनाई थी उसका पश्चावलोकन करें और अपने क्रियाकलाप के प्रभाव का मूल्यांकन करना कि जो हमने क्रियाकलाप किया था समस्या समाधान के लिए वह कितना सफल हुआ, इसका मूल्यांकन करें। यह जो मॉडल है इसे हम कहते हैं ब्रेनफोर्ड एवं स्टेन का मॉडल। इस विधि के क्या क्या लाभ बच्चों को मिल सकते हैं इस विधि से और शिक्षकों को भी? हमारे पास जो विधि है समस्या समाधान विधि एवं अन्वेषण विधि, इसके कई सारे लाभ हैं। जैसे कि इसमें विषय जो भी हम पढ़ाना चाहते हैं, जो प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं, उसमें स्वतः रुचि उत्पन्न होती है। इसमें अन्वेषण के लिए प्रोत्साहन मिलता है, विद्यार्थी खुद अन्वेषण करते हैं। इसमें विद्यार्थियों में अवलोकन क्षमता का विकास होता है, विद्यार्थी में ऑब्जर्वेशन की जो उनकी स्किल्स हैं तो अवलोकन करके उपयुक्त विकल्प का चुनाव करते हैं या विभिन्न विकल्पों पर विचार करते हैं। प्रायोगिक क्षमता का विकास होता है जी, प्रयोग करके उसको सत्यापित करने का। तार्किक क्षमता का विकास होता है, उनमें वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास होता है। वैज्ञानिक अभिवृत्ति बहुत ही आवश्यक है किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए। इसके साथ अन्य लाभ हैं हमारे पास, विद्यार्थी सीखते हैं कि आंकड़ों का एकत्रीकरण कैसे किया जा सकता है, तो विभिन्न डेटा है उनका एकत्रीकरण कैसे करें, उन आंकड़ों की व्याख्या कैसे करें। हमारे पास आंकड़े बहुत सारे हो गए लेकिन उनकी व्याख्या कैसे करें और उनका प्रायोगिक हल कैसे निकालें। विभिन्न आंकड़ों को जब एकत्रित किया है तो उन्हें प्रायोगिक हल कैसे निकालें, निष्कर्ष कैसे निकालें और निष्कर्ष निकालने की सीखने की प्रक्रिया, इसका एक महत्वपूर्ण लाभ है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या इस विधि को अपनाने में कोई चुनौती भी है? जी हाँ, जो हमारी समस्या समाधान अन्वेषण या अन्य विधियाँ हैं इनमें कई तरह की कठिनाइयाँ भी हैं शिक्षक महसूस करते हैं। जैसे इस विधि में कभी कभी सारे विद्यार्थी भाग नहीं लेना चाहते और समस्या से संबंधित जब शिक्षक प्रश्न पूछते हैं तो सारे विद्यार्थी उनका उत्तर नहीं देते, या कई बार ऐसा होता है कि सारे विद्यार्थी शिक्षक से प्रश्न नहीं पूछते। जब हम परिभाषीकरण की बात करते हैं समस्या की तो सारे विद्यार्थी प्रश्न नहीं पूछते लेकिन उन्हें समस्या समझ में नहीं आती है। अधिक संदर्भ सामग्री की आवश्यकता होती है, कई बार बहुत सारे उपकरणों की आवश्यकता होती है, कई बार विद्यार्थी समस्या को ठीक से समझ ही नहीं पाते हैं और इस तरह से शिक्षक को अधिक समय, अधिक ऊर्जा और अधिक सामग्री की आवश्यकता होती है, तब जाके वो इस विधि से पढ़ा सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर हितेश, आपने बहुत ही विस्तार से आज समस्या समाधान विधि, जिन्हें अन्वेषण विधि के रूप में भी जाना जाता है, आपने विस्तार से इसके बारे में बताया। आपने बताया कि यह क्या है, समस्या की पहचान कैसे होती है और कैसे कई चरणों में इसे पूरा किया जाता है। यह एक प्रभावी शिक्षण विधि है, आपने बताया इसके कई लाभ हैं और इसके कई चुनौतियां भी हैं। आज मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक, हमारे छात्र आपके इस व्याख्यान से बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर।